तो हम लोग माध्यिका पढ़ चुके हैं और अगर माध्यिका नहीं पढ़े हैं आप लोग तो क्या करिएगा वीडियो देख लीजिएगा आइए तो बहुलक बहुलक हम लोग आज पढ़ेंगे बहुलक चैप्टर यानी इसको इंग्लिश में हम लोग मोड कहते हैं तो माध्य माध्यिका निकालने के लिए हम लोग सिखाए थे कि माध्य बराबर जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेक्षण दिया हुआ है प्रेक्षणों की संख्या दिया हुआ है ठीक है प्रेक्षणों की संख्या दिया मतलब कुछ जाँच उच किए मान लो किसी का अंक जाँच किए मतलब किसी स्कूल में किसी दस स्टूडेंट का जांच की है और दस स्टूडेंट का अंक कुछ स्तर पर मतलब दस छात्रों का अंक है मतलब प्रश्नों की संख्या जो है वो क्या है दस छात्रों का अंक दिया गया हुआ है दस छात्रों का अंक दिया गया हुआ है तो मान लेते हैं किसी को आया हुआ है पच्चीस किसी को आया हुआ है छब्बीस अट्ठाईस तीस तीस बत्तीस बत्तीस सत्ताईस छब्बीस अट्ठाईस छब्बीस पच्चीस दस गो हुआ दो दो चार दो छः दो आठ दो दस ज़्यादा हो गया ये हटा दीजिए ठीक है ये हटा देते हैं चलो तो अभी ये हटा दिए ना हम लोग इतना हटा दिए दस छात्रों का हमको अंक करना था ज्ञात तो माइक ऑफ करो दस छात्रों का अंक जो है इस तरह से हमको दिया हुआ है किसी स्टूडेंट सब का अंक दिया गया हुआ है तो हम लोग इसका माध किस तरह से ज्ञात करते थे कुछ याद है इसका माध किस तरह से ज्ञात करते थे कि सभी प्रेक्षणों का योग माध बराबर क्या निकालते थे सभी प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों का योग अब कुल संख्या यानी जितना मतलब जितना चाहे संख्या दिया हुआ है उतना बट्टा में कर देते थे तो मेरा माध निकल जाता था और माधिका के लिए क्या बताए थे माधिका के लिए बताए थे कि आरोही क्रम में पहले सजा देना है संख्या को आरोही क्रम में पहले सजाना है और उसके बाद अगर सम रहेगा तो बीच का दो संख्या मतलब बीच का कोई दो गो संख्या लेना है और उसको बट्टा दो कर देना है ठीक है बीच का कोई दो संख्या लेके बट्टा दो कर देना है और अगर विषम रहेगा तो जो बीच में आएगा मतलब आरोही क्रम सजाने के बाद जो बीच में संख्या आएगा वही क्या वैल्यू हो जाएगा मान लीजिए बीच में हम लोग का अगर एक आ है तो वही क्या हो जाएगा मेरा माधिका हो जाता था अब हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक का मतलब समझिए बहुलक का मतलब होता है कि अधिक बहुलक होगा इस प्रकार सबसे अधिक बार मतलब सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान बहुलक होता है बहुलक का परिशा परिभाषा बोला जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि प्रेक्षण में जो सबसे अधिक बार संख्या आता है ना अधिक बार लिखिए लिखिए लिख कि सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान ठीक है प्रेक्षण में ठीक है प्रेक्षण में प्रेक्षण में सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार प्रेक्षण बहुलक के परिभाषा लिख सकते हैं आप लोग प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आने वाले आने वाले प्रेक्षण का मान प्रेक्षण का मान ही क्या होता है प्रेक्षण का मान ही बहुलक होता है प्रेक्षण का मान बहुलक होगा मतलब जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही क्या हो जाता है बहुलक हो जाता है का मान आ, बहुलक हो बहुलक होगा होगा तो आ जाइए इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे माध माध हम लोग समझ गया कि इस सारे को जोड़ के बटा जितना संख्या दे उतना कर देते तो मेरा माध निकल जाता माध्य माध को हम लोग औसत तो भी बोलते हैं एवरेज भी बोलते हैं ठीक है माध माध को हम लोग इंग्लिश में मीन बोलते हैं और इसको माधिका को हम लोग बोलते हैं को जो तो नहीं है हमको। ठीक है जब माधिका निकालने के लिए कहेगा तब तो आरोही कर्म में सजाएंगे और जब हमको डायरेक्ट बहुलक निकालने के लिए कहेगा तो हम लोग इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा जा, बार कौन सा अंक आया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा संख्या आया हुआ बताइए तो देखिए तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया हुआ है पच्चीस छब्बीस अट्ठाईस छब्बीस है छब्बीस एक दो तो तीन सबसे ज्यादा बार छब्बीस आया हुआ है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा लिख देंगे बहुलक बराबर छब्बीस इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा तो कहेंगे कि इस प्रेक्षण में सबसे अधिक बार सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान छब्बीस है इसलिए बहुलक बराबर छब्बीस होगा ठीक है बहुलक बहुलक का मतलब ही हो गया कि जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया होगा ना वही बहुलक होगा तो इस पर एक क्वेश्चन क्वेश्चन करके हमको बताइए आप लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और बताना है आपको ये कि आ, इसमें बहुलक क्या होगा और अगर मान लीजिए कि साथ में ये भी कह दे कि इसका माध्य भी निकालिए माध्यिका भी निकालिए तो बना दीजिएगा बना दीजिएगा आराम से बना दीजिएगा तो पहले उसको बाद में देखेंगे पहले इसमें से हमको बताना है बहुलक कौन होगा बारह पंद्रह सात बारह सात पच्चीस अट्ठारह और सात बताइए इसमें इसका बहुलक बराबर क्या होगा सात कितने बार आया हुआ है पक्का गिन के देखो चलिए बहुत अच्छा बात है हाँ तो बढ़िया बात है चलिए आइए तो यहाँ पे हाँ ठीक है दूसरा में सात हो जाएगा हाँ इसका ठीक है बहुलक इसका सात हो जाएगा यानी क्योंकि सात ज्यादा बार आया हुआ है ठीक है आ गया तो अगर हम लोग कहा जाए कि इसका इसका बारंबारता सारणी बनाइए तो बारंबारता सारणी इसका बना सकते हैं आप लोग हाँ चलिए देखिए तो क्या होगा बारंबारता सारणी इसका पहले चार वैल्यू हम लोग लिखते थे तो चार भैलू हाँ, हाँ. चार वैल्यू इसका बताइए सात है नौ है बारह है तेरह है देरा, ठीक है पंद्रह है पच्चीस बारह तो ये यह था पच्चीस है पहले अठारह लिखो तब पहले अठारह लिखो तब पच्चीस लिखेंगे ठीक है तो पच्चीस है खिये एक टैली मार्क बताए थे माध चैप्टर में टैली मार्क बताए थे माध चैप्टर में कि मतलब जो भी जितना अंक आया रहेगा उसका चिन्ह तो हम लोग यहाँ पर टैली मार्क छोड़ते हैं हमको सिर्फ बार्बरता सारणी बनाना है इसका पारंबरता सारणी बनाना है लिखेंगे पहले बार्बरता सारणी बनाना है इसको तो क्या करेंगे यहाँ बारामबरता बराबर लिख देंगे पारंबरता बराबर तो सात कितना बार आया हुआ है गिनिए तो तो सात आया हुआ है पाँच बार नौ कितना बार आया हुआ है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच सात बार आया नौ यहाँ पे सिर्फ एक बार आया हुआ है तो एक लिख देंगे और ट्वेल्व कितनी बार आया हुआ है एक दो तीन तीन बार आया हुआ है ट्वेल्व तीन बार आया हुआ है और थर्टीन कितनी बार आया हुआ है एक बार आया हुआ है और फिफ्टीन भी एक बार आया हुआ है एटीन भी एक बार आया हुआ है ट्वेंटी फाइव भी एक बार आया हुआ है तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे अगर ठीक क्या बोलते हैं इसको हाँ तो पहले हम लोग अगर बहुलख निकालना रहे ना अगर मान लीजिए कि एग्जाम वगैरह में देना है तो पहले हम लोग बारम्बरता सारणी बना लेंगे ठीक है ठीक है बारम्बरता सारणी बना लेंगे और तब उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पे चौर मान सात पाँच सबसे ज्यादा बार जो बारम्बरता आया होगा ठीक है अधिकतम बारंबर अध, अधिकतम बारंबारता वाला मान ही क्या होता है बहुलक होता है हाँ ठीक है अधिकतम यहां पे कह सकते हैं कि अधिकतम बारंबारता वाले पद का मान यानी चर मान ठीक है अधिकतम बारंबारता बारंबारता वाले पद पद या चर का मान कहिए ठीक है चर मान कहिए ठीक है, है पद का मान ही क्या होता है बहुलक होता है चर मान बहुलक होगा बहुलक होगा तो यहाँ पर सबसे अधिकतम बार, बारंबारता वाला कौन मा, मान अधिकतम बारंबारता वाला मान कौन है हाँ अधिकतम बारंबारता कौन है पांच है यहाँ पे अधिकतम बारंबारता कौन है पांच है और पांच का पद कौन है सात है तो हम लोग कहेंगे कि अधिकतम बारंबारता वाला अधिकतम ठीक है अधिकतम बारंबारता पांच बार आया हुआ है कौन सात आया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे बहुलक बराबर सात तो ठीक है बन जाएगा ना बहुलक हाँ बहुलक बन जाएगा बस इसी तरह आ, और अगर कहता है इसका माध्य निकालने के लिए तो हम लोग किस तरह से निकालते हैं देखिए हाँ कुल संख्या मतलब सभी को जोड़ के बटा कर देते हैं जितने भी संख्या है उसको अगर माध्य निकालना होता तो और माधिका निकालना होता चलिए एक क्वेश्चन करके बता देते हैं इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा चलिए सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद तो आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा चलिए आइए क्वेश्चन दिया गया हुआ है चलिए आइए हम लोग का एक क्वेश्चन है इसमें आपको माध्य भी निकालना है ठीक है माध्य भी निकालना है माध्यिका भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है माध माधिका और बहुलक भी निकालना है देखिए तो पिछला क्लास मतलब तो पीछे हम लोग क्या बताए हैं कि बहुलक किस तरह से निकालेंगे पहले हम लोग देखिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना रहेगा तो जब से ज्यादा संख्या आया होगा ना जो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आया होगा वही आंसर हो जाता है बहुलक ठीक है और लेकिन अगर हमको बनाना है प्रोसेस से तो पहले क्या करेंगे हम लोग बारम्बरता सारणी बनाएंगे तो हम लोग बारम्बरता सारणी बनाना आया करता है इसमें पहले हम लोग चार चर मान देख लेंगे हाँ हाँ तो चार मान कितना है एक एक तो सात है एक नौ है एक बारह है और एक तेरह है फिर पंद्रह है फिर अठारह है अठारह है और पच्चीस है इस तरह से सबका चर मान लिख लिए और फिर देखेंगे कि कौन सा संख्या कितनी बार आया हुआ है तो सात को गिने हैं तो पाँच आया हुआ है ठीक है और यहाँ पे नाइन को गिने हैं तो वन आया हुआ था और ट्वेल्व थ्री बढ़ाया हुआ था हाँ ट्वेल्व थ्री तो इस तरह हाँ। इस तरह से हम लोग बारंबारता सारणी बना लेंगे और जो सबसे अधिकतम बारंबारता वाला पद का मान ठीक है अधिकतम बारंबारता वाला कौन है अधिकतम बारंबारता वाला है? पांच है. कौन है पाँच है अधिकतम बारंबारता कौन है पाँच है और पांच में इसका पद मान मतलब मान कौन है सेवन है अधिकतम बारंबारता वाला पद का मान ही क्या होता है बहुलक होता है तो सबसे अधिक बार पाँच आया हुआ है मतलब अधिकतम बारंबारता कौन है पाँच है तो पांच का चार मान कौन है सात है तो बहुलक क्या हो जाएगा हम लोग का सात हो जाएगा ठीक है हाँ और मेरा एक ही क्वेश्चन दिया रहे और कहे कि माध भी निकालिए माधिका भी निकालिए और बहुलक भी निकालिए तो किस तरह से निकालेंगे उसका देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ है कि एक टीम फुटबॉल के हाँ ठीक है एक टीम जो है एक टीम जो है फुटबॉल के दस मैचों में फुटबॉल के 10 मैचों में 10 मैचों में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए निम्नलिखित गोल किए लिखित गोल किए तो इसको हम लोग इसमें दिया हुआ है प्रेक्षण का मान मतलब इसका गोल का मान दिया गया हुआ है दो तीन चार पांच जीरो वन थ्री 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 फोर एंड थ्री इस तरह से हम लोग दस मैचों का मानदेय हुआ है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से दिया गया हुआ है तो हमको इसका माध्य भी निकालना है माधिका भी निकालना है और बहुलक निकालना है तो पहले हम लोग इसका माध्य निकालेंगे माध्य बराबर क्या हो जाता है कि सभी प्रश्नों का योग बटे कुल आ, कुल संख्या तो दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस जीरो प्लस वन प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस थ्री ठीक है इस तरह से कर देंगे और बट्टा टेन करेंगे क्योंकि दस संख्या है टोटल तीन चार दो छः दो आठ दो दस माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज चलिए आइए उसके बाद कुछ करेंगे ठीक है अब हम देखिए सबको जोड़ेंगे तो दो तीन पाँच चार नौ पाँच चौदह एक पंद्रह तीन अठारह तीन इक्कीस चार पच्चीस तीन अट्ठाइस अट्ठाइस हो जाएगा हो जाएगा और अट्ठाईस बाई टेन करेंगे तो दो दशमलव आठ यानी माध माध बराबर क्या आ गया हम लोग का दो दशमलव आठ आठ आ आठ गया अब हम लोग को माधिका ज्ञात करना है फर्स्ट में हमको माध ज्ञात करना था दूसरा में हम लोग को माधिका ज्ञात करना है ठीक है तो माधिका किस तरह से ज्ञात करते थे पहले बोलते थे कि आरोही क्रम में सजा लीजिए तो आरोही क्रम में जब इसको सजाएंगे हम लोग तो क्या आ रहा है जीरो एक तीन एक एक शांत रहो एक दो ठीक है एक दो तीन 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 फिर उसके बाद चार चार दो चार छ तीन नौ पाँच है एक पाँच भी है चलिए तो तीन चार सात तीन दस गो तो ये हो गया अभी क्रम में सजा दिए तो यहाँ पे पदों की संख्या क्या है पदों की संख्या दस है यानी ये सम है ठीक है सम है तो बीच का दो संख्या लीजिए बीच का दो संख्या ये तीन और ये तीन होएगा एक दो तीन चार ये पांचवा नंबर और छठा नंबर क्या हो जाएगा बीच का संख्या हो जाएगा तो माधिका बराबर क्या हो जाएगा छ बट्टा दो माधिका बराबर हो जाएगा तीन प्लस तीन बट्टा दो यानी यानी तीन आंसर हो गया तो माधिका भी निकल गया हम लोग का ठीक है हाँ अब यहाँ पे सबसे हाँ सबसे अधिकतम बार कौन आया हुआ है तीन आया हुआ है तो बहुलक क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुलक तीन हो जाएगा सबसे अधिकतम बार तीन आया हुआ है का मान बारंबारता तीन आया हुआ है तो इसलिए तीन बहुलक बनाने के लिए क्या बताए कि आप ये भी कर सकते हैं बारम्बरता सानी में बना दीजिए और उसके बाद आप लेकिन ये इसमें डायरेक्ट आप बहुलक तीन लिख सकते हैं क्योंकि आप इसमें इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि बारामबरता सानी बना के बनाना है ठीक है क्वेश्चन में दिया रहेगा रह। रहे ना कि बारम्बरता सानी के आधार पर बताइए ठीक है बारम्बरता सानी पर बनाइए तब आप उसको बहुलक बनाइएगा ठीक है डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट बना दीजिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि यहाँ तीन सबसे अधिक बार सबसे अधिक चार बार आया हुआ है ठीक है सबसे अधिक चार बार आया हुआ है इसलिए चार बार हम नहीं हाँ ठीक है चार बार आया हुआ है तो बहुलक क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस यही था यहां तक था तो माध्य बहुलक बहुल